प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये बात कही गई है कि आज़ादी के बाद से साल 2015 तक देश में हिंदुओं की आबादी घटी है, जबकि मुस्लिमों, सिखों या दूसरे समुदाय के लोगों की आबादी बढ़ी है। इस पर सियासत शुरू हो गई है, लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का बयान आया है, जिस पर हाय तौबा मची हुई है। बहरहाल, देश के मुसलमान इस पर क्या सोचते हैं, इस पर बात करने के लिए हम मौजूद हैं संगम नगरी प्रयागराज में, और हमारे साथ दायरा शाह अजमल मस्जिद के इमाम और इस्लामिक स्कॉलर मौलाना शमशेर आजम साहब हैं। तमाम दूसरे लोग हैं जो कि अभी नमाज पढ़ करके बाहर निकले हुए हैं। हम बारी बारी से इन लोगों से बात करेंगे, इनकी राय जानना चाहेंगे कि आखिरकार वजह क्या है कि देश में हिंदुओं की आबादी घट रही है और मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। कहा यह जाता है कि मुसलमान जो है वो ज़्यादा बच्चे इसलिए पैदा करता है ताकि देश में उसकी हुकूमत हो सके, उसका राज कायम हो सके। बताइए, जो रिपोर्ट आई है, क्या कहना है इस पर? मैं तो सबसे पहले ये बात कहूँगा कि जो इस तरीके की बातें कही जा रही हैं कि मुसलमान ये सोच रखता है कि तादाद अवामी सतह में बच्चों की बढ़ाने की जो बातें चल रही हैं, ये सब सरासर जहालत और ग़लत बात है। बल्कि हिंदुस्तान का मुसलमान अब पूरी तरीके से जागरूक हो गया है। उतने ही बच्चों की पैदावार मुसलमान अपनी फैमिली उतनी ही रख रहा है जितने बच्चों की तालीम, तरबियत, पढ़ाई लिखाई का हिसाब अच्छे से अच्छा बना सके। पूरी तरीके से जागरूक है मुसलमान। ज़्यादा फैमिली प्लानिंग की जो पहले मामले चलते थे, पहले जहालत थी, अब क्या है कि दानिशमंदी आ गई, लोगों के अंदर सलाहियत आ गई, लोग जागरूक हो गए हैं। तो अब ये सब फजूल की बातें जो पहले होती थी, अब ये सब बातें नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और रही बात जो ये सब बात कही जा रही है कि लेकिन एक बात ये कही जाती है कि जो मुसलमान है वो क्या कहते हैं, जनसंख्या नियंत्रण के जो साधन हैं उनका इस्तेमाल नहीं करता है, वो बिल्कुल चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा हों, इस तरीके के दावे किए जाते हैं। नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। इस वक्त जो भाई मर्दों के लिए जो व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं, मेडिकल स्टोर पर तमाम चीज़ें, आप लोग दानिशमंद हैं, समझदार हैं, मैं इस बात को एकदम खुली तौर पर इस बात को वाजे करके मैं बता रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में अगर प्राइवेट कंडोम का अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो वो मुसलमान है। ये बात एकदम फाइनली रिपोर्ट में बता रहा हूँ। मैं इमाम हूँ, मौलाना शमशेर आज़म, मेरे तीन बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दो बेटा एक बेटी। अब इसके आगे मेरी फैमिली बढ़ाने का कोई मंशा नहीं है। इन्हीं बच्चों को हमें पढ़ाना है, लिखाना है, डॉक्टर बनाना है, एक बच्चे को फौजी बनाना है और बेटी को डॉक्टर बनाना है, ये मेरा टारगेट है। और यही मैं अपने मस्जिद में भी, अपनी अवामी सतह में अपने लोगों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग भी अपने बच्चों की तालीम तरबियत में कोई कमी कोताही न करें, औलाद उतनी रखें जितने बच्चों की तालीम तरबियत परवरिश अच्छे से हो सके। लेकिन आप इस तरीके की तकरीर देते हैं, लेकिन उसके बाद रिपोर्ट ये आती है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, हिंदुओं की आबादी घट रही है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सईद अली मेहंदी, और हम ये इस मामले कहना चाहेंगे कि मुसलमानों की आबादी बढ़ नहीं रही है, ये डाटा बनाए जा रहे हैं। एक्चुअली मुसलमानों में देखा, जो पढ़ा लिखा बंदा है वो तो खुद कंट्रोल कर रहा है, यहाँ तक कि जो रिक्शे चलाने वाले हैं, जो ठेले पे फल बेचने वाले हैं, वो भी ये सोचते हैं और कहते हैं कि हमारे बच्चे कम से कम हो ताकि हम उनकी अच्छी तालीम और तरबियत दे सकें। तो अब तो छोटे तबके वाले बंदे भी ये सोचते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे तभी जब हमारे पास कम बच्चे होंगे, चूँकि पढ़ाई में बहुत खर्चा होता है। इसलिए ये कहना गलत है कि बच्चे ज़्यादा पैदा किए जा रहे हैं, बल्कि यहाँ तो छोटे से छोटा तबका भी चाहता है कि हम बच्चों की अच्छी तालीम तरबियत करें, हमारे बच्चे मिलिट्री में जाएं, हमारे बच्चे पुलिस में जाएं, हमारे बच्चे डॉक्टर बने। और ऐसी अभी मतलब जो मतलब आपका ये दावा है कि मुसलमान जो है वो नहीं चाहता कि आबादी बढ़ाए, वो उतने ही बच्चे करना चाहता है जिनको वो ठीक से पाल पोस सकता है। आप बताइए, चुनाव के टाइम ये रिपोर्ट आई है, इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, आपके मन में भी कुछ शक सुबह है क्या कि एन चुनाव के टाइम ही ये रिपोर्ट क्यों आई? बात ऐसी नहीं हुई जो सब मुद्दा लेके चले, ये तो एक फितरत की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। हर आदमी ये महंगाई के दौर में परेशान है कि अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएगा, कहाँ से पहनाएगा, रहने को मकान सही नहीं है, रहने को कारोबार सही नहीं है, दुकान नहीं है, धंधा पानी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई धंधा नहीं। तो इससे लेके आदमी आबादी, मुसलमानी आबादी बढ़ा के वो इतनी कहाँ उसको पूरा करेगा,
क्या चोरी करेगा क्या या नहीं, ये बात तो आप वही बता रहे हैं जो आपके बाकी साथी लोग बता रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि ये रिपोर्ट एकदम चुनाव के टाइम आई है, क्या ये चुनावी मुद्दा बनाने के लिए, सियासी मुद्दा बनाने के लिए ये रिपोर्ट चुनाव के वक्त निकाली गई है, जैसा लोग की शक भी कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल शक कर रहे हैं। इससे पहले कोई ऐसी मुद्दा नहीं उठा कि मुसलमान बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, इस्लाम ज़्यादा हो जाएगी तो इस्लामी हुकूमत कर लेंगे। ये सब बातें गलत हैं। जो बात जो हकीकत है वो बात तो सही है कि आदमी जो है परेशान के हाल में कितने बच्चे या इस्लामी या कितने बच्चे पैदा कर लेंगे। हाँ, इतनी कुवत कहाँ है? मतलब आप रिपोर्ट को झुठला रहे हैं, आपका मानना है कि रिपोर्ट सही नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल गलत रिपोर्ट है, ये बिल्कुल अफवाह फैलाने की बात है। ये रिपोर्ट दरअसल गलत है। दरअसल ये है, देखना चाहिए कि आदमी इतना वो जो है जनसंख्या बढ़ा ले या बच्चों को इतना पैदा कर लें, जितना दो चार बच्चे हैं तो उसी में पूरा नहीं कर पा रहा, तो बच्चे को बढ़ाने से मतलब कहाँ है, तो बच्चे कहाँ ना जाए। अच्छा, मतलब लेकिन चुनाव का वक्त है लिहाजा इस पर सियासत शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान आया है कि भारत जो है इस्लामिक राष्ट्र बनाने की एक साजिश चल रही है, इसीलिए ज़्यादा बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। तो ये तो गंगा जमुनी तहजीब वाला मुल्क है, आप लोग ऐसा कहते हैं, हम लोग भी ऐसा कहते हैं, तो लगता है कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोई कोशिश चल रही है? नहीं नहीं, ये सरासर जहालत और ये सब गलत फहमियाँ फैलाने वाली बातें हैं, ये सब बेबुनियाद बातें कही जा रही हैं। ये सब लोग अपना पॉलिटिकल रोटी सेक रहे हैं इस तरीके की बातें करके, फर्जी रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं जो ये सरासर गलत है। भाई, हमारा मुल्क हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आबादी तो हमारे हिंदू भाइयों का है, 25% मुसलमान है, 100% हमारे हिंदू भाई हैं, और ये हमारे हिंदू मुस्लिम हर मजाहिब के लोग सब गंगा जमनी तहजीब के दायरे में सब रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। इस तरीके की बात ये पॉलिटिकल लोग करके हम लोगों के मोहब्बत में तिफरका डालने का काम कर रहे हैं, गलत फहमी इस तरीके की। मतलब आप भी यही कह रहे हैं जो तमाम मुसलमान ये सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव के टाइम में रिपोर्ट आई है, इस पे बहस कराई जा रही है, कुछ ना कुछ इसका जो है वो सियासी फायदा लेने की कोशिश है? जी जी, एकदम राइट बात है। ये टोटल सियासत के मामले को गर्म करने के लिए इस तरीके की बातें कही जा रही हैं और इस तरीके की फर्जी रिपोर्टें फर्जी तरीके से लोगों के सामने रखी जा रही हैं। मैं इन सब बातों का सख्ती से विरोध करता हूँ, ये सब सरासर गलत बात है। अच्छा ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है नूर सफ़ी। अच्छा नूर सफ़ी साहब, ये बताइए कि कहा तो अब ये भी जा रहा है कि कांग्रेस ही जो है मुसलमानों को बढ़ावा देती है, वही सिखाती है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो, क्योंकि मुसलमान ज़्यादा संख्या में होंगे तो उसको वोट ज़्यादा मिलेंगे। ये सब अफवाहें हैं। कांग्रेस जो है ये सब नहीं कहती, ये इनके खुद की सोच है। ये सोच के जो है हम लोग इसका विरोध करते हैं, इनकी सोच का, हुकूमत की, हमारी जो इस वक्त हुकूमत मौजूदा हुकूमत की ये सोच है कि कांग्रेस जो है वो करती है। कांग्रेस भाई अपोजिशन में कांग्रेस कहाँ कुछ बोल रही है, आप जिसको चाहते हो उसको कर रहे हैं। और ये जो लाए रिपोर्ट, ये सिर्फ जो है जो चुनाव के टाइम क्यों लाए, ये इनको लाए और पहले लेके आए होते। ये 9 साल सर्व कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, 9 साल में कभी नहीं रहे, इन टाइम पे क्यों लेके आए हैं, इसका भी जवाब देना चाहिए ना। बिल्कुल, सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार चुनाव के टाइम ही ये रिपोर्ट क्यों आई हुई है। और भी लोग हैं, जल्दी जल्दी से इनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आपका क्या नाम है? इस्लाम। इस्लाम भाई, ये बताइए कि आप क्या मानते हैं इस पूरे मामले पर? क्या मानने, बस रिपोर्ट जो लगी है ये तो गलत तो है ही है। ये कभी हिंदुस्तान कभी मुसलमान का हो ही नहीं सकता, जो ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि ये मुसलमान जो तो हिंदुस्तान के अंदर सोचता हम राज कर लें, कैसे कर लेगा, ये सब अफवाह की बात है, गलत है। तो आबादी तो बढ़ रही है मुसलमानों की? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, क्या कभी किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी ने सिखाया है क्या कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो? नहीं जी, कांग्रेस नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, आपका क्या नाम है? अब्दुल माजिद। माजिद भाई, इस पूरे विवाद में जो सियासत हो रही है, आप क्या सोचते हैं? अब तो ये सोचते हैं कि अपोजिशन पार्टी को बदनाम करने के लिए ऐसी बातें कही जा रही है, और इन बातों में कोई दम नहीं है। ये एक मुद्दा बना के हालात को बदलना चाहते हैं ये, और इन बातों में कोई हकीकत नहीं है। मुसलमान के बच्चे IPS बन रहे हैं, बड़ी बड़ी अहदों पर जा रहे हैं। आप दिल्ली के
कॉलेज का रेल देखिए, 149 बच्चे हर साल आते हैं जो DMSSP बनते हैं। अगर ये बच्चे पैदा करेंगे तो कहाँ से वो सब DMSSP बनेंगे। तो ये सब माहौल को घुमाने के लिए, अपोजिशन को कमज़ोर करने के लिए, उनको बदनाम करने मतलब के लिए। आप भी ये मानते हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं मामला पूरा सियासी है? जी यस एकदम 100% ये सियासी बात है। और ये अपनी कमजोरी को छुपाना चाहते हैं, दूसरे को पे इल्जाम रखते इन बातों में, दूसरों पर इल्जाम रखना चाहते हैं। एक जल्दी से छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी ले लेते हैं कि इस पूरे मामले पे जो सियासत चल रही है ये क्या कहती है? अब ये पूरे मामले पे सियासत, ये सिर्फ जैसा कि अभी हमारे माजिद भाई ने कहा कि टोटल ये पॉलिटिकल उल्लू सीधा किया जा रहा है इस तरीके की बातें करके। तो लिहाजा मैं इस बात को पूरे वाजे तौर पर मैं अपने हिंदुस्तान की आवाम से कहूँगा कि इन सब बातों पर ना आए और अपना भाईचारा, प्यार मोहब्बत, आपसी मेल जोल बनाए रखें। हुकूमत कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता कि कोई कांग्रेस को वोट दो या BJP को वोट दो, भाई जो भी राज आएगा हम उसे तस्लीम करेंगे। इसलिए कि हुकूमत प्रजा के चुनने से बनती है, तो भाई हमें पूरी तस्लीम है, पूरा मुकम्मल है। हम ये कहेंगे कि जो भी प्रशासन मामले में आए वो सही तरीके से खिदमत करे आवाम की। इसलिए राजा जो होता है वो प्रजा का खादिम होता है, वो खादिम बन के अपना सेवा करे। जैसे नरेंद्र मोदी जी सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं, मैं सलूट करता हूँ इनके हर मामले को। नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं लेकिन उनकी रिपोर्ट को नहीं मानते? ये रिपोर्ट नरेंद्र मोदी जी की नहीं है, ये रिपोर्ट नरेंद्र मोदी जी के कारंदों की है। ये रिपोर्ट नरेंद्र मोदी जी ने नहीं बनाया है। मसला क्या है कि जब आदमी को कोई हिसाब अपना बढ़ाना रहता है, बताना रहता है, तो बढ़ा चढ़ा के उन बातों को पेश किया जाता है। नरेंद्र मोदी जी बड़े सक्षम, बड़े दानिशमंद आदमी हैं। उनके कार्यकाल में हिंदुस्तान की का बहुत अच्छा विकास हुआ, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बनी। मैं आप भी बिल्कुल नेताओं की तरह बोलते हैं, आलोचना भी कर देते हैं, तारीफ भी कर देते हैं। अच्छा ये बताइए, ठीक है कि मुसलमान और हिंदू जो है वो सब देश के बारे में सोचते हैं इसलिए उतने बच्चे पैदा करते हैं, सब सोचते हैं कि कम से कम बच्चे हों। आप ये तो मानते हैं ना कि यहाँ कोई भेदभाव तो नहीं किया जाता, सब सुरक्षित रह रहे हैं? जी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, सारे हिंदू मुसलमान सब प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। प्रशासन भी पूरी तरीके से हर हिसाब किताब दे रही है। जैसे कि भी नरेंद्र मोदी जी ने कॉलोनी का आवास विकास का एक मामला निकाला, मालिक के फजल से हमें भी मिला आवास, हमें भी आपको मिला। भी मिला, आप भी लाभार्थी? जी मुझे भी आवास मिला, हमारे भाइयों को मिला, जो हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि घर मकान बनेगा, लेकिन ये मोदी जी का भाई सहयोग है कि उन्होंने दिया। अच्छा आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो हिंदू मुस्लिम आबादी वाला मामला है इस पे वोट तो नहीं पड़ेंगे ना? इस पे तो वोट मुश्किलें पड़े, मुश्किलें पड़े। आप भी यही मानते हैं वोट तो नहीं पड़ेगा ये आबादी पे, कि आबादी बढ़ रही है? नहीं भाई, इससे कोई सवाल ही नहीं उठता, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि वोट वाले के फर्क पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि संगम नगरी प्रयागराज के जो मुसलमान हैं वो इस रिपोर्ट से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका मानना है कि ऐन चुनाव के बीचों बीच ये जो रिपोर्ट आई है कई सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार चुनाव के वक्त ही रिपोर्ट क्यों आई, क्यों इस पर चर्चा की जा रही है और क्यों इस रिपोर्ट के बहाने विपक्ष को घेरने की कोशिश की जा रही है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।